समय मैं आया हूँ, ये ग्राम छिटाहा है, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप स्क्रीन पे एक बहुत अच्छा गन्ना इस समय देख रहे होंगे, क्योंकि अब अगस्त में गन्ना लगभग लगभग बंधाई, गन्ने में बंधाई शुरू हो जाती है। और गन्ने में बंधाई के साथ साथ देखिए, हमारे कृषक बंधु यहाँ नज़र न लगने पाए तो काला टीका भी लगा देते हैं, ये झंडी भी लगी हुई है ये सर। अब चूंकि आप गन्ना देख रहे होंगे स्क्रीन पे, अच्छा है तो झंडी लगाने वाला गन्ना भी है, नज़र न लगे तो रहता है प्रचलन और लगाना भी चाहिए। और देखिए यहाँ पे खड़े हैं, बहुत अच्छा गन्ना है और ये 3-4 साल पुरानी गन्ना प्रजाति है, लेकिन इसको हम लोग अभी नई ही बोलते हैं, क्योंकि अभी बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आई, और लेकिन जिसको समझ में आ गई वो कहते नंबर वन। क्यों भाई फगुरा जी? जी और हमारे साथ देखिए ये प्रगतिशील कृषक हैं स्क्रीन पे, मिस्टर नवदीप फगुरा जी। तो फगुरा जी बताइए ये इस प्रजाति के बारे में, ये सर कोलर 3 साल में इसमें क्या क्या सीखा आपने इस प्रजाति के बारे में? सर जब ये स्टार्टिंग में सर आई थी जी 2021 में जी, तो सर ये इसकी मोटाई बिल्कुल नहीं थी, बहुत पतला गन्ना था और इसमें कलर वाली प्रॉब्लम भी आती थी और ग्रोथ वाली भी प्रॉब्लम, मतलब इसकी पत्तियां हल्की पीलापन लिए होती पीलापन थी सर। फिर कुछ इसका सर करेक्टर ही ऐसा है, करेक्टर हाँ जी। और हाइट हाइट वाला सर सबसे बड़ा इशू होता था जी। और फिर सर ये ईयर बाय ईयर इसमें काफ़ी चेंजेस हुए और इसने यहाँ लोकल का क्लाइमेट भी अडॉप्ट कर लिया। अब सर इसकी प्लांट और ऑटम तो हाइट लेता है और रैटून भी, इसकी सर रैटून की भी बहुत अच्छी हाइट हो जाती है। सुमित भैया आ गए, तो ये बताइए ये कब का बोया है? ये सर सितंबर 30, 2023 का सर बोया। अच्छा सितंबर 2023 का। हाँ जी 30 सितंबर 2023। अच्छा प्लानिंग सर थोड़ी स्टार्टिंग सितंबर की थी लेकिन ये बारिश होती रही लगातार सितंबर में, तो काफ़ी एक मंथ और लेट हो गया ये। इसमें सरसों भी था? हाँ जी सर इसमें सरसों बोया था सर। सरसों कितना हो गया? सर ये 8 बीघे का खेत है और इसमें 6 क्विंटल सरसों हो गया था। मुझे याद था कि आपने मशीन से सरसों बोया था। हाँ जी सर आधा आधा खेत सर डबल लाइन से बोया था और आधा खेत सर सिंगल लाइन से बोया था। दोनों में क्या अंतर नज़र आया आपको? सर ये था सर डबल लाइन का प्रोडक्शन अच्छा रहा और कंपैरेटिवली सिंगल लाइन से। ऐसा क्यों रहा सर? उसमें सर सीड भी ज़्यादा लगा और जो पौधे थे वो ज़्यादा थे सर, जो बीच में 42 इंच की दूरी थी उसमें पौधे ज़्यादा थे सर, तो ऑटोमेटिकली फली ज़्यादा आई और प्रोडक्शन ज़्यादा था। और अगर तो सारा सर हमारे कृषक बंधुओं क्या सुझाव देंगे जो सरसों बोए इंटरक्रॉप के रूप में, सह फसल के रूप में, सिंगल लाइन? सर वो लेकिन दूरी पे निर्भर करेगा ना, तो डिपेंड करता है कि अगर आप 3 फीट से ज़्यादा दूरी पे बो रहे हैं तो डबल लाइन बेस्ट है, और अगर मैंने पूरा खेत डबल लाइन से बो लिया होता तो शायद 1.5 से 2 क्विंटल प्रोडक्शन और बढ़ जाता जी। अच्छा पहले आप वैसे भी बोते रहे हैं बिना मशीन के, कुछ नज़र अंतर नज़र आया? सर एक तो सबसे मेन है सर टाइम सेविंग, ये मशीन काफ़ी टाइम सेविंग है और इसमें जर्मिनेशन अच्छी होती है सर, और जो पौधा है वो ज़मीन में मतलब भर का चला जाता है, गिरने की संभावना कम हो जाती है। अच्छा तो ये गन्ना कितनी दूरी बोया? ये सर इसकी जो बीज की दूरी है वो सर 3.5 फीट है। तो ये कह रहे थे कि कितनी दूरी पे है ये सर, अंदर से देखें जरा। हाँ जी सर आ जी। ये सर 42 इंच की दूरी पे है सर, 3.5 फीट। अच्छा हाँ जी 3.5 फीट 42 इंच की दूरी पे जी। तो दूरी से काफी है? हाँ जी सर ये बड़े वाले ट्रेंच से सर बोया है। अच्छा बड़े वाले ट्रेंच जी, जो चौड़ा जिसमें 2 फाल होते हैं जी, जिसमें 2 फाल होते हैं और 1 फिट में आप गन्ने की बट्स रख सकते हैं। तो देखिए सीओएल के 14-201 गन्ना भी कितना बढ़ सकता है ये दिखाना चाह रहा हूँ। 23 सितंबर 2023 को बोया गया है? 30 सितंबर 2023। सिंगल आग का बोया था या नहीं सर? डबल आग का बोया था। डबल आग का दूरी अभी आप कह रहे थे ये 42 इंच पे? हाँ जी बीच की दूरी सर 42 इंच है, 3.5 फीट पे। हाँ जी सरसों था ही आप कह रहे थे? हाँ जी सर वो लैडर मेथड से बोया था, सीढ़ी नुमा अच्छा रहता है या पैरेलल टुकड़े रखें तो? सर मुझे लग रहा सर जो सीढ़ी नुमा गन्ना होता है सर इसमें गिरने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा जो हम लोग पैरेलल बोते हैं उसमें सर जो वो रेजर है उसकी गहराई भी नहीं बहुत आ पाती, इसमें सर रेजर जो कूड़ निकालता है वो काफ़ी गहरे निकाल देता है। अच्छा तो दूसरा सर बेनिफिट सीढ़ी नुमा का ये भी है कि सर अगर कई बार एडवांस फसल को नीलगाई या कोई जानवर अटैक भी करे तो वो उसका बीड़ा सर मजबूत होता है। अच्छा जल्दी उखड़ता नहीं है सर। तो कितनी बंधाई कर ली इसमें? सर इसमें 2 बंधाई करी सर। 2 बंधाई कर ली। पहले सर इसकी पत्ती निकलवा दी थी। अच्छा पत्ती निकलवाई जी। और सर फिर पहली बंधाई सर लमसम 1 पत्ती इसी में सड़ जाएंगी? हाँ जी सर इसी में सड़ जाएगी।
और पहली बंधाई सर करी थी इसकी लमसम 1 से 1.25 मीटर पे। हाँ ठीक है। और सर दूसरी बंधाई आज ही करवाई है सर। आज ही कराई है इसको सर, कैंची करवा दी तो अभी तो अगस्त में है, आज 16 अगस्त है। हाँ जी सर। तो अभी तो गन्ना बढ़ने का समय बाकी, तो और कितनी बंधाई हो जाएंगी सर? अभी एक मुझे लग रहा है सर एक बंधाई और हो जाएगी सर। एक और हो जाएगी, वो सर होगी मुझे लगता है मिड सितंबर तक। मिड सितंबर में 3 बंधाई हो जाएंगी, और अगर फिर भी ना कंट्रोल हुआ सर तो 4 बंधाई करेंगे। चार बंधाई तो करानी पड़ेंगी आपको। हाँ जी सर, 4 से 5 तक। तो COLK 14201 में भी 4 बंधाई हो सकती हैं। जी सर। बहुत सारे कृषक बंधु जब क्लिप देखते हैं तो कहते हैं कि 14201 बढ़ता नहीं है, पता नहीं कैसे किसका दिखा देते हैं इतना बढ़ जाता है। तो ये कैसे बढ़ जाता है जरा इसके बारे में बताइए सर। ये जो खेत में हमने जब गन्ना बोया, इससे पहले सर इसमें हमने ग्रीन मैन्योर लिया था, इसमें सर धान नहीं थे जी। हरी फसल लेके उसको सर इसी के बीच में मल्च कर दिया था, और फिर सर प्लानिंग ये थी कि इसको स्टार्टिंग सितंबर में बोएंगे, लेकिन कुछ बारिश की वजह से लेट होता गया। फिर इसको हमने 30 सितंबर 2023 को बोया। अच्छा। और सर बोने के टाइम सर नीचे NPK वगैरह डाल दी थी, और नीचे सर मैंने माइक्रोराइजा और कुछ असेंशियल जो भी ये होते हैं जैसे सर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो डाल दिए थे। और उसके बाद में सर दिसंबर में सर मैंने इसमें कीटनाशक की स्प्रे कर दी थी, और साथ में सर कीटनाशक के मैंने इसमें जिब्रेलिक एसिड भी डाल दिया था दिसंबर में ही सर। और फिर सर 1 फरवरी में इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया था, और इसमें सर 150 ml कोराजीन भी सर कर चुका हूँ एक बार, और 2 बार सर इसमें कैल्शियम और पोटाश पड़ चुकी है। और सर जो पिछली स्प्रे सर की थी वो कैल्शियम पोटाश अब तक कितना डाला होगा सर? इसमें 2 बार डाल चुका हूँ कैल्शियम और पोटाश 30 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सर। अच्छा। 40-40 kg सर 2 बार डाल चुका हूँ। अब जो उर्वरक वगैरह है उनका तो काम खत्म हो गया होगा, समाप्त हो गया हो? सर अगर हम लोग बेसिल वाली उर्वरक मान लें तो अभी तक इसमें सर 5 उर्वरक कंप्लीट हो चुकी है। 5 जी। प्लानिंग सर अभी 6ठी की भी है सर। अच्छा। हाँ जी एक सर दूंगा सर इसको पोटाश और थोड़ा यूरिया के प्रति रिस्पॉन्सिव है इसका। हाँ जी सर, है यूरिया। हाँ जी सर पोटाश। जी सर पोटाश, सर पोटाश और कैल्शियम सर अच्छा है सर ग्रो इसकी गन्ने की डेंसिटी के लिए, मोटाई अच्छी आ जाती है। अच्छा। तो देखिए COLK 14201 अच्छी गन्ना प्रजाति थी, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और समय समय पे अभी क्या करते रहेंगे वो भी दिखाते रहेंगे। अच्छा ये बताइए उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा आपने? सर लास्ट ईयर सर जो इसका उत्पादन था वो सर 470 के आसपास मैंने लिया है। तो इस बार पिछली बार से अच्छा है गन्ना? इस बार कोशिश है सर उसको पार करें वो टारगेट को। अच्छा, पिछले टारगेट को पार करेंगे जी। देखिए अच्छे गन्ना प्रजाति है, और मैं कृषक बंधुओं को बार बार इसलिए अच्छे खेत दिखाना चाह रहा हूँ COLK 14201 को के, क्योंकि CO0238 के जाने के बाद, इसमें रेड डॉट आने के बाद जी, एक अच्छी प्रजाति की तलाश है। तो काफ़ी कृषक बंधु ये कहते हैं कि ये बढ़ती नहीं है, तो वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बढ़ती भी है, बस एक बढ़ाने वाला चाहिए। एक सर इसकी और भी खासियत है, ये सर गन्ना नीचे से सर मोटा है और ऊपर से पतला है जी। तो सर आज इसको जब हम लोग कैंची करवा रहे थे जी, तो काफ़ी सर लेबर का काफ़ी पावर यूज़ हो रहा था, बड़ा इजिली कैंची नहीं हो रहा था जी, क्योंकि सर ये इसके गिरने के चांसेस बड़े कम हैं जी। अगर इसको टाइम से हम लोग पूरा इसकी बंधाई वगैरह करवाते रहें तो ये जल्दी गिरता नहीं है सर। चलिए भाई फगुरा जी, बहुत अच्छा लगा एक अच्छा खेत दिखाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। राज तो पूरी सर टीम है सर प्रोग्रेसिव फार्मर्स की। हाँ देखिए ये अमृतपाल सिंह जी हैं, अच्छे कृषक हैं यहाँ, और नदी किनारे रहते हैं, शारदा नदी बिल्कुल उनके घर के बगल से बहती है। तो अमृतपाल सिंह ये बताइए इसके बारे में कुछ, बताइए कैसी लगी ये प्रजाति आपको? हाँ, बहुत अच्छी प्रजाति है। इस बार काफ़ी लोग तारीफ कर रहे हैं इसके साथ, बहुत अच्छा इस बार चल रहा है, चलता तो हमेशा भी अच्छा है। अर्ली में तो बढ़िया गन्ना है। क्या बढ़िया लगा आपको? ठीक है, एक तो गन्ना अक्टूबर में बोने के लिए बढ़िया है। कितना बैंड करना चाहूंगा? अक्टूबर में बोने के लिए अच्छा है, कुछ गिरता भी कम गिरता है, ज्यादा गिरता है, 23 भी पेड़ी भी अच्छी होती है, पेड़ी पौधे से भी अच्छी हो जा रही है। अच्छा खेत है, देखिए काफी बड़ा खेत है। अच्छा है गन्ना, बढ़िया गन्ना। इसकी बुआई भी सर क्षेत्र में काफी हुई थी, काफी हुई है, सबसे ज्यादा इसकी बुआई हो रही है शरद काल में, यही चल रहा था। जी जी। और
15-23 फरवरी में ठीक है उसकी। रवि भाई सिंह साहब धन्यवाद, थैंक यू सर।